पेंशन भोगियों, वन रैंक वन पेंशन की सबसे लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे 11 मार्च। जी हां, आज 11 मार्च की सबसे लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों को मेरा राम राम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ लेटेस्ट अपडेट दिया जाएगा। सभी पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों को बता दें कि यहां पे 10 मांगों के ऊपर पुष्टि की गई है और वो आपको एमएसपी डीएडीआर और ओपी पीएमआर को इंक्लूड किया जाए वन रैंक वन पेंशन पे। फुल मुफ्त एरियर एक बार में पूरा डीएडीआर का 44%, साथ ही हमारे पेंशन धारक व पेंशन भोगी की बढ़ी हुई रकम, सभी पे बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें विस्तार से। चलिए शुरू करते हैं। तो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक हमारे पास लेटेस्ट लेटर निकल के आ गया जो कि 9 मार्च 2023 का है और ये लेटर के माध्यम से आपको 10 मांगे जो हमारे पेंशन भोगी व पेंशन धारक को मंजूरी मिलना चाहिए उसके ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा 10 मांगे पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम तुरंत देखेंगे यहाँ पे एक अपडेट निकल के आया है, देख सकते हैं यहाँ पे एमएसपी पे प्लस ओआरओपी पे रिगार्डिंग और ट्राई सर्विस ने भी यहाँ पे वन रैंक वन पेंशन पे काफी कुछ निकल के आया है। तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है। सबसे प्रमुख मांग 10 मांग में सबसे प्रमुख मांग जिसमें आवाज बुलंद कर रहे हैं हमारे पेंशन भोगी, जिसमें ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन। आपको जैसे कि पता है कि 12 मार्च 2023 को हमारे बहुत सारे सैनिक संगठन एकजुट हो रहे हैं और यहां पे सभी सैनिक संगठनों को भेज भी दिया गया है और लेटर ऑल इंडिया एक्सोलिशमेंट बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से जारी किया गया। इस लेटर में काफी कुछ लिखा गया है जो हमारे प्रमुख मांग जंतर मंतर में मांगी जा रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग एमएसपी 5200 और 1500 को इक्वल किया जाए। सबसे ज्यादा जोखिम हमारे जवान लेते हैं, जवानों की ड्यूटी बॉर्डर पे रहती है, बहुत सारे ऐसे फील्ड एरिया है जहां पे बहुत ही ज्यादा जोखिम होता है हमारे सभी जवानों को। सभी पेंशन धारक पेंशन भोगी अगर मेरी बातों से सहमत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें क्या होना चाहिए इक्वल, अपना चढ़ बढ़ के आंसर दीजिएगा। इंक्लूडिंग इंक्लूड पीएमआर इन ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन में हमारे जो प्री मैच्योर आ गए हैं रिटायरमेंट या वीआरएस ले लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट आ गए हैं या पहली लाइन तोड़ कर लिए हैं उनको भी ऐड किया जाए। रिवर्टिंग ऑफ 70% ऑफ बेसिक प्लस डीएएस पेंशन, मतलब कि 50% से 70% किया जाए। रैंक का वेटेज मिले, यहाँ पे हर एक चीज बताया गया है, रैंक का वेटेज मिले। इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ फेवरिंग ऑफ डिफेंस पेंशनर, ऐसा इंप्लीमेंटेशन किया जाए कुछ भी जिसमें हमारे भूतपूर्व सैनिकों का भी उसमें हकों का हित मिलते रहे और कभी भी कोई मीटिंग या किसी भी तरह का वर्डिक्ट आता है उसमें जवानों को भी इंक्लूड किया जाए क्योंकि उनके बारे में कोई नहीं सोचता, उच्च अधिकारी अपना हमेशा फायदा देख लेते हैं। हमारे पेंशनधारक और पेंशन भोगियों को यहां पे मिलना चाहिए फायदा। एक्सक्लूसिव ट्रांसफर पॉलिसी फॉर एक्सोलिशमेन और एंड बैंकर्स, मतलब एक्सक्लूसिव बहुत ही इजी ट्रांसफर पॉलिसी होना चाहिए एक्सोलिशमेन का बैंकर्स में। इंप्लीमेंटेशन ऑफ कैप कोटा, कैप कोटा मतलब यहां पे आईआईटी फील्ड में हमारे जो वार्ड्स हैं जो हमारे डिपेंडेंट्स हैं भूतपूर्व सैनिकों के उनका कोटा होना चाहिए आईटी में, रिजर्वेशन होना चाहिए इलेक्शन में। तो यहां पे सब कुछ लिख दिया गया है, पूरा खाका निकल के आ गया है। ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी, देख सकते हैं मोहर साइन सब लग चुका है जनरल सेक्रेटरी का जो कि है ऑल इंडिया एक्सोलिशमेंट बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन के, यहाँ पे एस सुरेश कुमार। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ साथ शेयर करना ना भूले। जय हिंद।